नमस्कार भव्या श्री न्यूज समय नोपुर। आपको मालूम होगा काफी उथल पुथल है यस बैंक के खाताधारी के बीच में, यानी बैंक और खाताधारी के बीच में काफी परेशान है खाताधारी, क्योंकि यस बैंक का हाल आप समझ रहे होंगे। अभी कल की बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो फाउंडर थे, यस बैंक के जो फाउंडर थे, आपको राणा कपूर के घर में ईडी ने छापा मारा और छापा मारने के 31 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है समुद्र महल उनके आवास से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी खाताधारी हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि उनका टोटल पैसा उनमें फंसा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है यस बैंक, जिसमें लोगों का एक भरोसा भी था और ये अच्छी से इनका लेन देन बरसों से चल रहा था। अभी मैं आपको बता दूं कि 1 महीने पहले आपने सुना होगा रिलायंस, रिलायंस जो जियो है उन पे न जाने कितने लाख करोड़ का कर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है और ये अपना समय पे समय मांग रहे हैं। इस तरह बहुत सारा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे सीसीडी कैफे डे की बात हम बता रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, इनका सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, मतलब इनका इतना ब्रांच है, इनका शोरूम जिसको कहते हैं, या फिर इनका स्टॉल कह दीजिए, एक खूबसूरत स्टॉल जिसमें लोग जा करके अपना कॉफी पीते हैं। तो उनके जो फाउंडर थे उन्होंने खुदकुशी कर ली, अभी पिछले साल की हम बात बता रहे हैं, नदी में छलांग लगा लिया और फिर उनकी पता भी नहीं चली कि वो कहाँ चले गए। वो कर्ज में डूबे थे और उनको लग रहा था कि हम कर्ज सधा ही नहीं पाएंगे। तो अगर कर्ज आप सधा नहीं पाते, इतना लंबा चौड़ा कार्य करते हैं, उसके पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम अगर जिस चीजों में पांव डाल रहे हैं ये कितना दूर तक ले जाएंगे, क्या जरूरत है उतना देश विदेशों में बढ़ाने का। छोटे से चीजों में अगर उतना भी आप उथल पुथल नहीं करते, कर्जदारी नहीं रहते, तो ना आपकी जिंदगी खराब होती, ना भी यस बैंक की। यस बैंक की इतनी गलती है कि वो अगर समझते हैं कि किसको कर्ज में कोई डूबा हुआ है और वो उबर नहीं रहा है, उसको और कर्ज दे देते हैं। कर्ज पे कर्ज पे कर्ज, आपका पैसा नहीं है, ये तो खाताधारियों का पैसा है जो आप दूसरे को कर्ज देते हैं। अभी आप देख लीजिए पीएमसी का हाल, पिछले साल की कहानी आपको सुना देते हैं कि पीएमसी का जो हाल हुआ है वो बेहाल में है। उनके पीछे से, यानी कि बैंक के पीछे से कई मैनेजर भाग चुके हैं। जब लोगों ने, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग कहते थे कि हमको पैसा दीजिए, सारे लोग रोना, मतलब कि रो रहे थे वहां पे, क्योंकि लोग अपने पूंजी को, जमा पूंजी को आपके बैंक में डालते हैं, किस लिए कि जब मन करे, जितना मन करे, हम उस दिन उसको पैसे को निकाल सके, चाहे पूरा का पूरा हमको खाता बंद ही क्यों नहीं करना पड़े करके। लेकिन आपने क्या किया, शुरू में 1,000 आप निकाल सकते, फिर 1,000 के बाद आपने 5 दिया, फिर 10 दिया, इस तरह की चीजें हुई। अभी लगभग में 95% से ज्यादा खाताधारी होंगे जो अभी पीएमसी बैंक का खाता ही बंद कर दिए हैं कि हमको इसमें से न लेन देन कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि इस तरह का कोऑपरेटिव बैंक होता है या प्राइवेट बैंक होता है, उसमें अब लोगों का मन बिल्कुल उतर चुका है और लोग नहीं चाहते हैं कि इनसे हमको कोई लेन देन करना चाहिए या फिर हम अपना पैसा जमा पूंजी, चूंकि बहुत बैंक बर्बाद हो चुका है, जो पतन के रास्ते जब आता है ना तो फिर वो उबर नहीं पाते, चूंकि ये जो समुद्र का जो डुबकी है ना उसमें लोग बह जाते हैं जिनको तैरना नहीं आता, और लगभग तैरते हैं किस बल पे, खाताधारी के बल पे, क्योंकि खाताधारी का जो करोड़ों करोड़ रुपए उनके पास होता है ये कर्ज देते हैं और उससे इनका ट्रांजैक्शन बढ़ता है और इसके बाद इनकी जो हालत होती है वो सुधरती है और तब इनका विकास होता है। लेकिन अगर खाताधारी ही इनका हाथ छोड़ दे तो फिर ये नैया तो डूबना ही डूबना है। खैर, यस बैंक के खाताधारी को चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि 49% का जो शेयर था वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने की बात की और ये रिजर्व बैंक ने स्वीकृति भी दी है उनको कि ठीक है आप इसे खरीद लीजिए। तो इसमें खाताधारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये उन दोनों का लेन देन है और जितना भी पैसा आपका है वो बखूबी, थोड़ा विलम्ब हो रहा है कार्य में, कागजी प्रक्रिया में, ये तो बात अलग है, लेकिन वो कागजी प्रक्रिया के बाद ठीक उसी तरह जिस तरह आपको पीएमसी बैंक का था, किसी भी खाताधारी का पैसा डूबा नहीं है, जब सभी लोग गए हैं अपना खाता बंद कर दिए, नहीं तो वो बस चालू थोड़ा बहुत पैसा डाल करके चालू रखा है और पूरा पैसा उन्होंने अपना निकाल लिया और बैंक ने पैसा दी है। ऐसा नहीं कि पैसा डूब गया, किसी भी खाताधारी का पैसा डूबा नहीं है आपको पीएमसी बैंक से। उसी तरह यस बैंक वाले जितने भी खाताधारी है वो तसल्ली रख लीजिए मन में कि जहां स्टेट बैंक कदम बढ़ा चुकी है वहां आप डूबेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक ने आपको, रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक को इस बात की स्वीकृति भी दी है। तो अब नैया जो है
उभर रही है। अब रही बात यस बैंक की, तो यस बैंक क्या अपने नाम से फिर कभी जानी जाएगी? वो क्या उभर पाएगी या फिर अपने नाम से वो ख्याति प्राप्त कर पाएगी? क्योंकि जो डूबता है वो कभी उगता नहीं है, और उग भी जाए तो लोगों का भरोसा कहाँ रहता है कि वो फिर पुनः जीवित कर पाए या उस विश्वास को लेकर के फिर कदम आगे बढ़ा पाए? ये तो असंभव सा चीज़ है, ये आठवां अजूबा होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं नाम बदल कर कोई बैंक फिर लॉन्च करे अपनी पत्नी के नाम पे, बेटे के नाम पे या किसी और के नाम पे, और फिर उसमें श्री गणेश हो, ये तो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये जो बातें हैं, जो एक बार अगर इज्जत खत्म हो जाती है या एक बार विश्वास लोगों का उड़ जाता है, क्योंकि पब्लिक ऐसे ही है कि विश्वास करेगी तो अंधा बन करके विश्वास करेगी, बिल्कुल ब्लाइंड बन जाएगी, और नहीं तो अगर जाग जाएगी ना तो फिर आपका तो समझ जाइए कि चौदहवीं का चांद आपको नजर आ जाएगा। यानी कि लोग कहते हैं ना कि दिन में तारे गिनना, तो वो दिन में तारे ये पब्लिक गिनवा देती है। उसका नाम है जनता, उसका नाम है खाताधारी। तो एक विश्वास पे, चूंकि आप उनसे विकास कर रहे थे, बैंक जो विकास करती है वो आम पब्लिक के छोटे छोटे पूंजी से वो विकास करती है। लेकिन अगर कर्ज आप देते हैं तो कर्ज की वसूली क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी चीज़ है, चूंकि मैं आपको बता दूँ, कुछ बैंक में मैं भी गई हूँ ये देखने के लिए कि बैंक में बैंक वाले पैसा देते कि नहीं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं जिसका पैसा, आज बहुत सारे बैंक है, नाम बताना उचित नहीं होगा चूंकि वो सरकारी बैंक है, तो ये नहीं चाहती हूँ कि उसका नाम आपको बता दे। लेकिन उनके बैंक मैनेजर से जब मेरी हूबहू बातचीत हुई और मैंने कहा कि क्या कारण है कि आप इसमें ये खाता नहीं खोलना चाहते हैं या फिर इन ग्रुप को आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, पीछे का वजह बताइए, तो उन्होंने कहा कि पैसा जो जाता है ना रिकवरी नहीं हो पाता है, और लोग देते नहीं है, कर्ज पे कर्ज ले लेते हैं, जिसके कारण बैंक अनबैलेंस हो जाती है। तो सवाल तो ये है कि खाताधारी भी जो भी हैं या फिर जो ग्रुप चलाते हैं, बड़े बड़े फाउंडर हैं, मतलब ग्रुप के जो फाउंडर हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी योजना करते, काम चलाते, छोटे छोटे पूंजी आप बैंक को वापस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बैंक से लेकर के ही आप अमीर बन रहे हैं। ये मत भूलिए कि पैसा आपके पास आता कहाँ है। लाखों लाख करोड़ रुपया आप बैंक से लेते हैं अपने अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, तो फिर आपका फर्ज होता है कि उस चीज़ों को कोर्ट तक नहीं आने दें। और बात तो आपकी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, जो हम आपको रिलायंस की बात कर रहे हैं या फिर अन्य बहुत सारे ग्रुप है, अभी तो मैंने दो ग्रुप की बात की, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको पैसा देंगे और उसका खत्म। आप देख रहे होंगे ना कि पंजाब नेशनल बैंक का भी यही हाल था, जो लोग बाहर से भी पकड़े गए हैं, जो दो तीन जन थे, तो ऐसे पंजाब नेशनल बैंक भी चपेट में आ गई। तो खैर, अभी पंजाब नेशनल बैंक तो ऐसी डूबने वाली है नहीं, वो तो सरकारी बैंक है और वो बिल्कुल अब उभर चुकी है और अपनी रिकवरी में लगी हुई है। लेकिन ऐसे ऐसे अगर होता रहेगा, कर्ज लेने वाले कर्ज लेंगे, अपने पर्सनालिटी का डेवलप करेंगे और उसके बैंक को वापस ही नहीं करेंगे, तो बैंक क्या करेगी? लेकिन बैंक को भी एक नियम और कानून बनाना चाहिए कि इतना से ज़्यादा अगर पैसा हमारा जाता है, यानी एक सीमा रख ले वो कि इस सीमा के अंदर अगर कोई पैसा हमको वापस नहीं करता है तो फिर दोबारा हम क्यों उनको हम लोन दे? बिल्कुल नहीं देंगे, वहीं स्टॉप करेंगे और पुरानी रिकवरी के लिए उनको कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में आप हमको वापस कीजिए, इतना परसेंट वापस करोगे तो फिर हमारे यहाँ लोन का आवेदन करो, अगर आप नहीं देते हो तो जरूरत नहीं है मेरे यहाँ आपको पुनः आवेदन करने का। ऐसा बैंक को कुछ करा नियम तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो लेन हर लोग चाहता है कि आप दे दो, लेकिन लौटाने में उनको मुसीबत पैदा होती है, सोचते हैं कहे के लिए हम पैसा लौटाएं, और ये भूल जाते हैं कि अगर किराए के मकान अगर आपको रहना है ना तो मकान मालिक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। ये तो जाहिर सी बात है कि वही चीज हो गई उधार की। तो उधार की नौकरी हो या उधार का घर हो, तो नेचुरली है कि जिसका घर में आप शरण लिए हुए हैं उस मकान मालिक को तो आपको पैसा देना ही है, आज ना कल दे दीजिए, आ नहीं तो जो हाल हो रहा है वो तो बहुत बुरा हाल होगा। खैर, बैंक तो उभर रही है, इसलिए यस बैंक के जितने भी खाताधारी है आश्वस्त हो जाइए, आपको डरने की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी परेशानी, हाँ चंद दिन का परेशानी है तो झेल लीजिए, बहुत बहुत मुसीबत आती है, लोग झेलते हैं, और आप हम मनुष्य हैं इसलिए बने हैं मुसीबतों को झेलने वाले, चूँकि हम लोग में इतनी शक्ति होती है कि हम लोग हर चीज़ को जी लेते हैं और हर चीज़ को सह लेते हैं। तो खैर, ये डूबने वाला प्रश्न नहीं है कि हर आदमी को ये लगे कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दिन के लिए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि बच्चे का एडमिशन कराना है एमबीए में तो हमको इतना लाख रुपए का जरूरत है, कुछ लोग कह रहे थे बेटी का शादी करना है तो उसके लिए चाहिए, दिस दैट के लिए, क्योंकि पैसा हमने रखा कहीं सुरक्षित, क्योंकि घर में तो हम रख नहीं सकते पैसा, इतना पैसा रख नहीं सकते क्योंकि इलीगल होगा, हम पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में, और बैंक में भी अगर हमारा पैसा सुरक्षित नहीं होगा, वो सुरक्षा जो हम ढंग से निकाल नहीं पाए, तो फिर तो ये बहुत दुख की बात है। खैर, बैंक तो अपनी कार्यवाही में लगी हुई है, प्रक्रिया में लगी हुई है, कौन चाहेगा कि हमारा बिजनेस डूब
जाए। और रही बात आपका, तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है और ये बैर जो है वो खट्टा नहीं होगा, ये मीठा ही होगा आपको। और आपको पुनः वो जितनी राशि आपकी थी वो पूरी राशि आपको मिल जाएगी और आप चाहें तो अपने खाते को कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप SBI में, तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि प्राइवेट बैंक में आप खाता खोलिए ही नहीं। जो भी पैसा अगर देना हो तो हमारे लिए राष्ट्रीयकृत बैंक बने हैं ना, तो उसमें हम क्यों नहीं, थोड़ा विलंब ही होगा ना खाता खोलने में, उसमें पैसा डालिए। अधिक से अधिक जो लाखों है थोड़ा बहुत नियरेस्ट बैंक हो उसमें डालिए कि चलो थोड़ा सा डूब भी गया तो उसके लिए आपको आफत नहीं आएगी। लेकिन जो मोटा रकम है, जहाँ आप लाखों लाख की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, तो प्राइवेट बैंक में डालते क्यों है? थोड़ी सी सूद ज्यादा मिलती है, उसके लालच में भटकिए मत। कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं ना कि न माया मिली न राम, तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स थे, अभी देख लीजिए सहारा इंडिया को देख लीजिए, उसमें कितना पैसा डूब गया लोगों का, आज भी डूबा हुआ है, लोग उबर नहीं पाए। इसी तरह बहुत सारी बैंक आई जो डूब गई, बिल्कुल पैसे लेके डूबे और लोग तरह तरह करते चले गए, तो कहें क्यों डाले हम। खैर ये तो यस बैंक तो बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक थी, उसकी बात अलग है, लेकिन ये पैसा आपको रिकवरी हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना आप टेंशन लीजिए ना हम लें, और बैंक अपनी प्रक्रिया में है और रिजर्व बैंक भी आपको साथ देने को तैयार है, तो टेंशन की कोई बात नहीं।